हेलो व्हाट्सअप गाइस, मैं हूं विनोद बाबू थापा एंड वेलकम टू जस्ट 1500 डेज। जी हाँ गाइस, तो आज हमारा 47th डे एंड आई होप आप बहुत ही ज्यादा ऑसम होंगे। एंड बताना चाहूंगा गाइस, कल के दिन मैंने हाउ रिएक्ट दिस वाज क्रिएटेड एट फेसबुक, इसके ऊपर वीडियो अपलोड किया, इसको जरूर चेकआउट कीजिए, आपको बहुत ही ज्यादा मजा आएगा। ये मेरा फर्स्ट टाइम था जब मैंने डॉक्यूमेंट्री ट्राई किया, आपको कैसा लगा अपना कमेंट एंड राइट जरूर दीजिएगा। पसंद आए तो दोस्तों को भर भर के शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। एंड अभी तक अगर आपने बाकी के मेरे जो चैलेंजेस वाले वीडियोस हैं उनको चेकआउट नहीं किया तो जरूर चेकआउट कीजिए, जब भी आपको फ्री टाइम मिलता है आपको बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। एंड एट द एंड में वर्ल्ड वे जावास्क्रिप्ट कोर्स में ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं, उनको चेकआउट नहीं किया तो गाइस जरूर चेकआउट कीजिएगा, इससे बेटर आपको कहीं नहीं मिलने वाला है। ऑल आउट गाइस, तो अब हम बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप देख सकते हो आज का क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा ईजी है अगर आपको रेगुलर एक्सप्रेशन आता है तो, एल्स अगर आप नॉर्मल तरीके से करोगे तो थोड़ा सा आपको सोचना पड़ेगा, मतलब प्योर वैनिला जावास्क्रिप्ट की मदद से। सो वी नीड टू एक्सट्रैक्ट द नंबर्स फ्रॉम अ स्ट्रिंग, ठीक है। अब इसकी रिक्वायरमेंट क्या है, एक्सट्रैक्ट ऑल द नंबर्स फ्रॉम अ स्ट्रिंग, रिटर्न द नंबर्स एज एन एरे। तो ये दो रिक्वायरमेंट्स है जो आपको फुलफिल करनी होगी। एंड देन यूज केसेस यहाँ पे आप बहुत क्लियर देख सकते हो, लाइक वी नीड टू पार्स, आई मीन इसका कहाँ काम आ सकता है, राइट। सो पार्सिंग न्यूमेरिकल डेटा फ्रॉम टेक्स्ट, देन एक्सट्रैक्टिंग न्यूमेरिक वैल्यूज फॉर कैलकुलेशन, कैलकुलेशन के लिए आप न्यूमेरिक वैल्यूज एक्सट्रैक्ट कर सकते हो, एंड देन फिल्टरिंग नंबर्स फ्रॉम मिक्स्ड कंटेंट, ओके। सो हमारे पास कुछ एग्जाम्पल्स है यहाँ पे आप देख सकते हो। एंड आउटपुट देखिए, हाँ इसके आउटपुट आने के डिफरेंट डिफरेंट तरीके, लेकिन आपको जो आउटपुट चाहिए कुछ इस फॉर्मेट में चाहिए, जहाँ पे अगर कोई नंबर प्रेजेंट होता है, इन आवर केस, जैसे हमारे केस में अगर आप देखोगे यहाँ पे, ये जो पर्टिकुलर एग्जाम्पल है, ठीक है, यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये जो पर्टिकुलर 1 2 3 जो है ना, ये 1 2 3 ये कंसेक्यूटिव लाइक वन आफ्टर द अदर, लाइक बेसिकली एक के बाद एक आ रहे, ठीक है। तो हमें इनको एक ग्रुप बनाना है, यहाँ पे आप देख सकते हो ये एक ग्रुप है, तो आप कह सकते हो कुछ वो आपका ऐसा होना चाहिए। उसी तरीके से यहाँ पे आप देख सकते हो ये वाला जो एक पर्टिकुलर पोर्शन है, तो इसका एक ग्रुप कुछ ऐसा बनना चाहिए यहाँ पे, समझ रहे हो मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। एल्स आपका आउटपुट कुछ फिर ऐसा आ जाएगा 1 2 3, हम ऐसे सिंगल नहीं चाहिए, हम ऐसे ग्रुप नहीं चाहिए, अगर एक के बाद एक आ रहे तो उनका एक ग्रुप चाहिए, एंड देन कॉमा, एंड देन फिर ये, समझ गए। क्योंकि ये वाला जो पार्ट है जहाँ पे 1 2 3 निकालना वो इजी है, बट ये वाला जो पार्ट है उसको थोड़ा सा आपको सोचने पे मजबूर कर देगा कि ये अब मैं कैसे करूँ, समझ रहे हो। सो गाइस बिना किसी देरी के अब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा गाइस, अभी ये जो मेरा रेगुलर एक्सप्रेशन इन 20 मिनट्स है, सॉरी ये क्रैश कोर्स, इसको आप एक बार जरूर चेकआउट कीजिएगा, आपकी बहुत ज्यादा हेल्प होगी। सो आई होप आपने एटलीस्ट वो वीडियो चेकआउट किया होगा, तो पॉज द वीडियो राइट नाउ एंड ट्राई इट योरसेल्फ। जी हाँ गाइस, आप वीडियो को अभी के अभी कीजिए पॉज एंड खुद से सोचिए कि इसको मैं कैसे कर सकता हूँ। एंड आपके लिए बेस्ट पार्ट ये है कि इधर आप वेनिला प्योर जावास्क्रिप्ट की मदद से करना चाहते हो तो भी आप वेलकम, ठीक है, लेकिन आपको बहुत ही लंबा कोड लिखना पड़ेगा। बट अगर आप रेगुलर एक्सप्रेशन से करते हो, सिर्फ एक लेटर लिखना है, सिर्फ एक लेटर, सॉरी एक या दो लेटर लिखना है आपका काम खत्म, सिर्फ एक या दो लेटर आपका काम खत्म, रेगुलर एक्सप्रेशन का पावर ये है, ठीक है। सो प्लीज आप इसको ट्राई कीजिए, एंड आपने जिस तरीके से भी इसको किया होगा लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, ठीक है। ऑलराइट, सो अब मैं इसको ट्राई करता हूँ। कॉन्स्ट वी हैव टू एक्सट्रैक्ट नंबर से, हमारा फंक्शन का नाम है, ठीक है, यहाँ पे लेट्स टेक दिस एज str। अब देखो यहाँ पे चलने से पहले तो आप देख सकते हो कि मेरे पास यहाँ पे स्ट्रिंग्स है, सिर्फ दो रखे मैंने सिंपल, ठीक है। तो आपको ये देखना है कि हम ऐसा क्या रेगुलर एक्सप्रेशन लिखे जिसके चलते हमारे जो भी डिजिट्स है वो सेलेक्ट हो जाए। इफ़ यू रिमेम्बर कल के दिन हमने मोबाइल नंबर किया था, मोबाइल नंबर भी तो एक डिजिट था ना, तो हमने क्या लिखा था, backslash एंड देन डी, एंड बूम गाइस सी द मोमेंट मैं सिर्फ इतना लिखता हूँ तो चाहे जो भी हो मेरे ये जितने भी डिजिट है वो सिलेक्ट हो गए, ठीक है। मतलब इतना लिखूंगा तो भी मेरा काम हो जाएगा, तो अभी मैं इतना लिख के छोड़ता हूँ, मैंने क्या कहा था सिर्फ एक लेटर आपका काम तमाम, यहाँ पे देख लीजिए। सो वॉट आई विल डू इज विल बी इक्वल टू ये जो str, सॉरी यहाँ पे नहीं कर सकता, रेजेक्स लिखना पड़ेगा मुझे, रेजेक्स विल बी इक्वल टू, देखो ध्यान से। सो गाइस सिंपली आपको दो फॉरवर्ड स्लैश तो लिखना ही पड़ेगा, देन वी हैव दिस कैरेट, कैरेट एंड देन वी हैव दिस डॉलर, ठीक है, ये स्टार्टिंग एंड देन एंडिंग आपका बताता है, बट इसके हमें नीड नहीं, यहाँ पे डायरेक्टली इतना कैपेबल है ये, यहाँ पे बस अब आपको वो जो पर्टिकुलर डिजिट है ये पास कर देना इस तरीके से। एंड आप मल्टीपल चाहते हो ना डिजिट, तो हमें ग्लोबल फ्लैग पास करना ही पड़ता है, ठीक है, इतना आपने पास कर दी। अब यहाँ पे आपको ये सोचना है कि ठीक है मैंने तो एक ऐसा क्राइटेरिया लिख दिया, ऐसा रेगुलर एक्सप्रेशन लिख दी है जो जहाँ पे भी कोई भी स्ट्रिंग हो उसके अंदर अगर नंबर प्रेजेंट होंगे तो ये पता लगा लेगा, लेकिन ये अपने आप तो पता नहीं लगाएगा, हमें कुछ तो ऐसा मेथड या कुछ तो भी करना पड़ेगा ना, कोड लिखना पड़ेगा। सो गाइस मैं हाईली रिकमेंड करना चाहूंगा मेरा ये जो पार्ट वन है जावास्क्रिप्ट का, इसमें हमने स्ट्रिंग वाला जो पर्टिकुलर चैप्टर्स है उसको आप एक बार चेकआउट कीजिएगा, उसमें
किसी भी चीज में वो पर्टिकुलर चीज प्रेजेंट है या नहीं, जब वो पर्टिकुलर चैप्टर्स हम पढ़ रहे थे तब मैंने दिखाया था बहुत सारे मेथड है इनके पास, एंड स्पेशली यहाँ पे हमें डेटा किस में चाहिए, एरे में। तो एसटीआर में ऐसा कौन सा मेथड है जो एक तो चेक भी कर रहा है, ऊपर से जो डेटा वो एरे में भी रिटर्न कर रहा है, तो ये आपको फाइंड आउट करना होगा। एंड वी हैव अ वन मैच, इसमें वो रेजेक्स आपको पास कर देना है। बहुत सारे यार, स्टार्ट्स विद, एंड्स विद, इंक्लूड, ना जाने मैच मैच और वैसे बहुत सारे भरे पड़े है ना, तो अब बस आपको रन करना है एंड बूम गाइस से मेरा काम हो गया। बट देर इज अ प्रॉब्लम, एंड दैट प्रॉब्लम इज कि ये एक कोड लिखने से मुझे जैसा चाहिए था वैसा नहीं आ रहा है। मुझे क्या चाहिए था, मुझे ये चाहिए था जैसे यहाँ पे अगर 1 2 3 जो है अगर वो एक साथ आ रहा है तो मुझे 1 2 3 को एक एलिमेंट बनाना है, एंड देन ये जो 4 5 3 था ये मुझे दूसरा एलिमेंट बनाना है, ठीक है। आपको सोचो, दैट्स व्हाई मैंने कहा ना रेगुलर एक्सप्रेशन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जहां पे आपको ये पता चलता है कि कैसे कम वर्ड्स या कैरेक्टर्स लिख के भी आप चीजें मतलब गेट कर सकते हो, है ना। अब यहाँ पे एक ऑसम चीज मैं आपको बताता हूँ, अगर आपको याद हो हमारा जो रेगुलर एक्सप्रेशन जो था, हमारा ये जो रेगुलर एक्सप्रेशन, ये वाला जो रेगुलर एक्सप्रेशन क्रैश कोर्स जो था, इसमें मैंने बहुत चीजें बताई थी, जिसमें से एक था आपका क्वांटिफायर्स, जहां पे वी हैव अ प्लस एंड देन वी हैव दिस एस्ट्रिक, ठीक है। तो अगर आप प्लस सेलेक्ट करते हो तो प्लस का क्या काम है मैं आपको बताता हूँ, देखना यहाँ पे बराबर बताया है, अगर आप प्लस यूज करते हो देन इट मैचेस वन और मोर ऑफ द प्रीसीडिंग टोकन, वन और मोर प्रीसीडिंग टोकन, तो जो हमें चाहिए था वो हमें ये करके दे रहा है। मैंने कहा ना हर चीज ऑलरेडी प्रेजेंट है गाइस यहाँ पे, समझ रहे हो ना, हर चीज ऑलरेडी प्रेजेंट है, इट जस्ट आपको देखना है कि वो चीज हम कैसे कर सकते हैं। देखो सिंपल है, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पे सिर्फ प्लस ऐड कर देता हूँ, नाउ इट विल मैच वन और मोर ऑफ द प्रीसीडिंग टोकन, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पे रन करता हूँ एंड बूम गाइस, ये देखो मुझे जो चाहिए था मुझे मेरा आउटपुट आ गया। आई होप आपको दिख रहा है, ये सबको दिख रहा है। सो गाइस, कैसा लगा आपको आज का वीडियो, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। एंड ऐसे ही और भी बहुत सारी चीजें रेगुलर एक्सप्रेशन के थ्रू, क्रेडिट कार्ड वैलिडेशन, यूआरएल वैलिडेशन, मतलब बहुत सारी चीजें जो मैं लेके आऊंगा, एंड एट द एंड में मैं कंप्लीट एक लॉगिन एंड देन रजिस्ट्रेशन फॉर्म को आपको मैं वैलिडेशन करके दिखाऊंगा, जो कि आज के टाइम में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड ये तो जस्ट शुरुआत है गाइस, अभी तो बहुत बाकी, आपको बहुत कुछ सीखने मिलने वाला है। सो गाइस, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन आपको ये वीडियो कैसा लगा। तो वहां से अगेन ये जो रिएक्ट वाली वीडियोस को चेकआउट कीजिएगा, रेगुलर एक्सप्रेशन क्रैश कोर्स इसको भी जरूर चेकआउट कीजिएगा। एंड अभी तक इस वीडियो को अपने लाइक एंड अपने दोस्तों के साथ भर भर के शेयर नहीं किया तो प्लीज कर दीजिएगा, एंड सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा, एंड राइट साइड में क्रेडिट कलर का बेल आइकन एक घंटी दिखाई देगा, हिट कीजिए, क्लिक कीजिए, ताकि आप डेली ऐसे ऑसम वीडियोस को मिस ना करें। ऑल राइट गाइस, तो मिलता हूं मैं अब आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गाइस, थैंक यू सो मच, टेक केयर।